कई दिनों से गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोमवार की सुबह जहां गंगा का पानी स्थिर रहा, वहीं दोपहर से हर दो घंटे एक सेंटीमीटर का बढ़ाव जारी है। जिले के सैकड़ों गांव भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। नाले के माध्यम से शहर के कई इलाकों में भी पानी पहुंच गया है। तमाम दुकान मकान पानी से घिर गए हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिला अधिकारी लगातार बाढ़ का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। मालूम हो कि धौलपुर डैम एवं माताटाला डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि का क्रम शुरू हो गया था। बीते शुक्रवार की भोर में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई थी। सेवराई तहसील के कई इलाकों में मार्ग बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। इसके साथ ही जिले के अन्य कई ग्रामीण क्षेत्रों के दर्जनों गाँव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। नाले के माध्यम से शहर के खुदाईपुरा, लकड़ी का टाल और तुलसिया के साथ ही बंधवा इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। तमाम मकान और दुकानें पानी से घिर गई हैं। इससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ग्रामीण इलाकों के तमाम बाढ़ पीड़ित पलायन करते हुए बाढ़ चौकियों और सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। बाढ़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। जिलाधिकारी MP सिंह लगातार बाढ़ प्रभावित गाँव का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारी मोहम्मद मेजारुद्दीन ने बताया कि सोमवार की सुबह 8 बजे गंगा स्थिर हो गई थी, लेकिन दोपहर बाद हर दो घंटे एक सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ाव का क्रम जारी हो गया है। उधर पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने बाढ़ प्रभावित कई क्षेत्रों का नाव से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया।